जी, तो आज मैंने सोचा कि मैं अपनी अम्मी के अंदाज से जो है फ्रूट चाट बनाती हूँ। वो हमें बचपन में हमारे बहन भाइयों को यानी शादी से पहले भी हम लोगों को इस तरीके की फ्रूट चाट बना के देती थी। तो आज मेरा दिल चाह रहा है कि उसी तरीके से जो है ना फ्रूट चाट। ये देखिए केले कितने ज़्यादा ख़राब हैं रमज़ान में, वरना मेरे घर तो कभी भी इस तरह के केले नहीं आए। तो भाई अच्छा, तो अभी मैं अपनी अम्मी के अंदाज़ की आज फ्रूट चाट बनाती हूँ। ठीक है जी, तो मैंने ये फ्रूट्स की कटिंग कर दी है, मतलब छिलके उतार दिए, अब इनको कट करते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा फ्रूट्स कट चुका है। और देखिए कितना बारीक बारीक मैंने फ्रूट्स काटे हैं। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, मसाले में हम लोग क्या ऐड करेंगे, ये टैंक का साशे, चाट मसाला, काला नमक और ये साइज जूस जो है, इससे अगर आपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाले ना तो इतना कोई कमाल का टेस्ट आता है, यकीन माने आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो चलें अब हमें तमाम मसाले जो है अपने इन कटिंग वाले फ्रूट्स में ऐड करते हैं और इसका मज़ा और लुत्फ दोबारा करते हैं। जी तो ये तमाम मसाले, चाट मसाला, काला नमक, चाट मसाला, टैंक और ये मैंने स्लाइस जूस के 2 स्पून डाल के ना, चीनी मैंने नहीं डाली क्योंकि चीनी तो डालनी नहीं होती फ्रूट्स में, तो ये लज्जत के लिए हमने इसको ऐड कर दिया। स्लाइस जूस 2 चम्मच भी कम लग रही है, मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी ताकि ये जो हमारा कटिंग वाला फ्रूट्स है ये जूसी जूसी हो जाए। और फ्रूट्स तो वैसे भी जूसी ही होता है, लेकिन जब हम लोग ये तमाम इस इंग्रेडिएंट्स में ये जूसेस और मसाले ऐड करते हैं ना, तो यकीन माने जो फ्रूट्स एक जूसी जूसी होता है वो एक अलग होता है। आज मेरे पास क्रीम नहीं थी, तो विदाउट क्रीम तो मैं फ्रूट्स खा भी नहीं सकती, यानी फ्रूट चाट नहीं खा सकती। तो मैंने सोचा कि आज अपनी अम्मी के हाथ जैसा फ्रूट चाट बनाई जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो ये मेरी अपनी अम्मी के अंदाज़ की फ्रूट चाट रेडी हो गई, और पुरानी याद तो आजकल भी ताज़ा ही ताज़ा हो रही हैं, और मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो पर शेयर भी कर रही हूँ। तो ये मेरी मज़ेदार सी फ्रूट चाट रेडी हो चुकी है।